स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फेमिना मिस इंडिया 2023। तो जानते हैं कि जो मिस इंडिया है ये होता क्या है। तो मिस इंडिया मतलब सबसे पहले देखेंगे हम कि क्या मिस इंडिया में सिर्फ खूबसूरती दिखी जाती है क्या? तो नहीं, मिस इंडिया में खूबसूरती तो होती ही है, साथ में उसके साथ साथ उसे किसका कितना नॉलेज होता है, ओके, वो कैसे परफॉर्मेंस करती है, ये सब चीजें भी देखी जाती है मिस इंडिया में। तो मिस इंडिया जो बनने के लिए क्या कैटेगरी होती है, मिस इंडिया बनने के लिए सबसे पहले तो उसकी एज है वो 18 से 25 साल होना चाहिए। क्या एज है? 18 से 25 साल, इनके बीच जिसकी एज होगी वही मिस इंडिया में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके साथ साथ वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, उसकी जो है मैरिड नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? मैरिड, और साथ में इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये तीन कैटेगरी देखी जाती है। एक तो उसकी एज 18 से 25 साल होना चाहिए, दूसरा वो मैरिड नहीं होना चाहिए, और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वही जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं मिस इंडिया में। तो फिर हम देखते हैं कि मिस इंडिया 2023 में क्या हुआ और कौन जीता। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि मिस इंडिया कौन बनी और नाम याद कर लेते, बस हो गया। और फिर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वो कौन से नंबर की बनी, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर भी लिखा है। तो हमें यहाँ पे नंबर दिख रहा है, उसका कौन से नंबर की बनी है? 59th नंबर की बनी है फेमिना मिस इंडिया 2023। मतलब इस साल जो जीता वो कौन से नंबर की बनी है? 59th नंबर की बनी है मिस इंडिया। ऐसे ही हुआ था, एक बार एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एसबीआई क्लर्क की बात करते, एसबीआई क्लर्क 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था मिस यूनिवर्स के बारे में। मिस यूनिवर्स 2021, मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी, ये क्वेश्चन नहीं पूछा कौन से नंबर की बनी, ये पूछा गया। तो मिस यूनिवर्स 2021 में बनी थी हमारे देश की हरना संधू, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिस यूनिवर्स 2021 में कौन बना था? हरना संधू फ्रॉम इंडिया, ये बनी थी। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, सारे स्टूडेंट्स ये याद करके गए थे कि मिस यूनिवर्स हरना संधू बनी है, और क्वेश्चन पूछा गया कौन से नंबर की बनी, वो अपने इंडिया से नहीं। अगर इंडिया से पूछता तो भी आ जाता था, उसने पूछा वर्ल्ड में कौन से नंबर की, तो उसका आंसर था 70th। वर्ल्ड में कौन से नंबर की? 70। और हमारे इंडिया में पूछता तो वो आ जाता था, हमारे इंडिया से ओनली 3rd नंबर की थी। फिर सबसे पहली कौन हमारे देश में, तो वो थी सुष्मिता सेन। सुना होगा सबने नाम इनका, सुष्मिता सेन, ये 1994 में बनी थी। एंड सेकंड जो है वो थी लारा दत्ता, लारा दत्ता बनी थी 2000 में। एंड 2021 में कौन बनी? हरना संधू, ये मिस यूनिवर्स बनी थी तीसरी अभी 2021 में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिया था नंबर के ऊपर, मतलब नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नंबर वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में एसबीआई में कि कौन से नंबर की, तो 70 वर्ल्ड में, और हमारे देश में 3rd नंबर से, इंडिया से 3rd नंबर, फर्स्ट सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता। तो ऐसे नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते, इसलिए ये जो नंबर है वो भी याद रखना जरूरी है। तो इस बार की जो मिस इंडिया बनी वो कौन से नंबर की बनी? 59th नंबर की। उसके बाद फिर वेन्यू कहां पे हुआ ये देख लेते। तो ये हुआ है खुमान लंपाक मेन स्टेडियम मणिपुर। ये मणिपुर राज्य जो काफी न्यूज में है, मणिपुर राज्य जहां पे हिंसा चल रही है, अभी हम देख रहे जातिवाद चल रहा है, जो जनजाति है वहां की, मैतेई जो जात है उसके और नागा जो जात है उसके बीच, काकी जो जात है उसके बीच अभी हिंसा चल रही है। तो मणिपुर राज्य भी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ये हिंसा होने के पहले यहाँ पे ये खुमान लंपाक मेन स्टेडियम में ये सेरेमनी हुई थी फेमिना मिस इंडिया 2023 की। तो देखते हैं इस बार कौन जीता, विजेता कौन, और फर्स्ट रनर अप कौन और सेकंड रनर अप कौन। वैसे हमें तीन चेहरे दिख ही रही है, एक तीन चेहरों में से आपको समझ गया होगा कि विजेता कौन है, बीच वाली है, अब इनका नाम नहीं मालूम, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले, और एक फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप है। समझा सबको इतना? हमने यहाँ पे उसका एज, हमने क्राइटेरिया भी देख लिया, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, 18 से 25 साल उसकी एज होना चाहिए, वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ये भी हमने देखा। और कहाँ पे हुआ, तो मणिपुर में हुआ, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये वेन्यू, क्योंकि
हमें लगेगा कि ये फेमिना मिस इंडिया जो सेरेमनी है ये हो सकती है खासकर मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर बैंगलोर में, ऐसे सिटीज के नाम याद आएंगे। और एक मणिपुर, एक नॉर्थ ईस्ट की सिटी, हम सोचेंगे भी नहीं कि ये मणिपुर में हुआ होगा करके, और हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। इसलिए आपको वेन्यू भी लिख के दिया, खुमान लंबक मेन स्टेडियम मणिपुर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमें दिख रहे विनर नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान, ये कोटा राजस्थान से बिलोंग करती है। ये राजस्थान से कहां से? कोटा राजस्थान, वहां से। वैसे राजस्थान कैपिटल देखा जाए तो जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं। राजस्थान कैपिटल क्या है? जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं। लेकिन कोटा एक सिटी है वहां की, इस कोटा राजस्थान से बिलोंग करती है नंदिनी गुप्ता। और मैंने पहले ही बोला आपको कि एज जो है वो 18 से 25 साल की होना चाहिए, ये नंदिनी गुप्ता सिर्फ 19 ईयर की है। नंदिनी गुप्ता कितने साल की है? सिर्फ 19 ईयर की है। तो ये नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान से ये बनी इस बार की फेमिना मिस इंडिया 2023, तो इजी नाम है नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान। क्या नाम याद हुआ क्या सबको? देखो नाम याद करना है, चेहरा नहीं, चेहरा दिल में रखो और नाम दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में हमें दिमाग काम में आता है, दिल नहीं। आया ध्यान में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान, कोटा से बिलोंग करती है, 19 साल की सिर्फ, ए इस बार की फेमिना मिस इंडिया बनी। अब देखते हैं फर्स्ट रनर अप कौन। तो फर्स्ट रनर अप हमें दिख रही श्रेया पूंजा, शॉर्टकट में इसका नाम श्रेया याद रख लेना। ओके, शॉर्टकट में क्या याद रखना? श्रेया। जैसे नंदिनी गुप्ता नाम काफी इजी था जो विनर थी, तो इसमें शॉर्टकट में श्रेया याद रखना है। अब श्रेया कहां से? तो दिल्ली से। श्रेया कहां से है? दिल्ली से। ये कौन है? फर्स्ट रनर अप श्रेया, 23 ईयर की है। श्रेया कितने साल की है? 23 साल की है। 18 से 25 का क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया में आ रही है। ओके, तो फर्स्ट रनर अप श्रेया याद रखना, जो कहां से? दिल्ली से। नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान, ये जीत गई थी। ओके, विनर है ये, और ये श्रेया फर्स्ट रनर अप है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रनर अप श्रेया लुआंग हमें दिख रही है, सेकंड रनर अप, जो कहां से है? मणिपुर से। ये वही मणिपुर, इसके बारे में आपको बताया था। ओके, तो ये मणिपुर में जहां सेरेमनी भी हुई थी, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है स्ट्रेला लुआंग। ओके, ये सेकंड रनर अप है। इसकी एज अभी 22 ईयर है। इसकी एज कितनी है? 22 ईयर, स्ट्रेला लुआंग। तो शॉर्टकट में स्ट्रेला भी याद रख सकते हो या लुआंग भी याद रख सकते हो, जो नाम इजी लगता हो याद करो। लुआंग एकदम इजी है, स्ट्रेला थोड़ा हार्ड जाता है, या फिर श्रेया और स्ट्रेला ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों के नाम ऐसे से आते, तो कुछ भी याद रखो। लुआंग भी याद रखते हो इजी है, या स्ट्रेला लुआंग भी बोल सकते हो, जो मणिपुर से, वो है सेकंड रनर अप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमें दिख रही फर्स्ट मिस इंडिया, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे देश में सबसे पहली मिस इंडिया कौन बनी थी, अभी जस्ट सेरेमनी हुई है, तो फिर पहली मिस इंडिया कौन बनी थी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शॉर्टकट में याद रखना प्रमिला, शॉर्टकट में क्या याद रखना? प्रमिला। पूरा नाम इसका एस्थर विक्टोरिया अब्राहम है, शॉर्टकट में प्रमिला याद रखना, जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, और ये कब बनी थी? 1947 में। ओके, शॉर्टकट में क्या पता है? प्रमिला या एस्थर विक्टोरिया अब्राहम, पूरा नाम है इसका। तो ये सबसे पहली मिस इंडिया बनी थी, और ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है 1947 में, जिस साल भारत आजाद हुआ था उस समय बनी थी पहली मिस इंडिया। लेकिन जब 1947 में इसकी शुरुआत हुई, तब से ये रेगुलर नहीं दिए जाते थे। जैसे मैंने बताया आपको, इसकी शुरुआत 1947 में हुई, तो क्या ये रेगुलर दिया जाता था क्या? नहीं, 1947 के बाद फिर 1952 में दिया गया, 5 साल के बाद इंद्राणी रहमान को दिया गया। किसको दिया गया? इंद्राणी रहमान को। उसके बाद 54-56 ऐसा रेगुलर था ही नहीं, फिर ये रेगुलर कैटेगरी स्टार्ट हुई 1964 से। तो चलो देखते हैं, वही दिया गया नेक्स्ट स्लाइड में, दिख रही हमें स्टार्टेड फ्रॉम 1964 रेगुलर मिस इंडिया अवार्ड, कब से स्टार्ट हुआ? 1964 से, और तब बनी मेहर कैस्टेलानो मिस्त्री, शॉर्टकट में मिस्त्री। जैसे मैंने प्रमिला बताया आपको 47 में बनी थी, वैसे शॉर्टकट में मिस्त्री याद रखना, जो बॉम्बे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ये 1964 से जब स्टार्ट हुआ, तब से रेगुलर दिया जाने लगा। इस 1964 से अभी 2023 तक हर साल ये फेमिना मिस इंडिया का जो है अवार्ड दिया जाता है, और ये 64 में किसको मिला था? मिस्त्री को। शॉर्टकट में याद रखना मेहर कैस्टेलानो मिस्त्री, पूरा नाम है, शॉर्टकट में मिस्त्री याद रखना है। ये मिस्त्री से मुझे और एक नाम याद आ रहा है, ये आपने साइरस मिस्त्री का नाम सुना है क्या? काफी फेमस थे साइरस मिस्त्री, ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स थे। ये कौन थे? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, काफी बड़ी कंपनी है टाटा सन्स। चंद्रशेखर जो है
नटराजन चंद्रशेखरन, अब इसके चेयरमैन है टाटा सन्स के, तो ये साइरस मिस्त्री भी थे। ओनली 54 ईयर में कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई, पालघर महाराष्ट्र में। सुना होगा अपने मुंबई के पास से, ठाणे से जो अलग हुआ था, लास्ट में बनने वाला डिस्ट्रिक्ट भी है ये महाराष्ट्र का। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो लास्ट में बनने वाला डिस्ट्रिक्ट ये पालघर था जो ठाणे से अलग हुआ था। इसी पालघर में कार एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री की, सिर्फ 54 ईयर्स के थे, मर्सिडीज कार थी, उस कार से उनकी डेथ हुई एक्सीडेंट में। तो काफी बड़ा नाम था साइरस मिस्त्री, जस्टिन मिस्त्री से मुझे याद आया। तो याद रखना है मिस्त्री बॉम्बे महाराष्ट्र, इसमें इसको रेगुलर कैटेगरी जो स्टार्ट हुई 1964 से, तब से हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे हमारा जो मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने सारे हिस्ट्री वाले भी पॉइंट्स कवर किए और करंट वाले भी पॉइंट्स कवर किए। इसके बाहर क्वेश्चन आना नामुमकिन है। अगर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से क्वेश्चन आपको दिखेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी जिसके ऊपर इसके ऊपर टेस्ट बने हुए, वो टेस्ट आप दीजिए। पहले वीडियो देखिए, एक नहीं दो बार देखिए, 5-10 मिनट में आपको ये इजीली है, नाम शॉर्टकट में बताएं वो भी आपको इजीली याद हो जाएगा, और उसके बाद वो टेस्ट दीजिए। तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।